देखिए, कल नागपंचमी का पर्व था और इस दिन बिहार के दो जगहों पर तनाव हो गया। एक तो मोतिहारी और दूसरा बगहा। इन दो जगहों में जुलूस को लेकर दो गुटों में झड़प हुई, जमकर पथराव हुआ, लाठियां चली, कुछ लोग जख्मी भी हो गए हैं और इसके बाद पूरे इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस झड़प में कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है। तो दो गुटों के बीच पथराव, लाठियां चली, झड़प हुई, ये तस्वीरें आपके सामने। नागपंचमी का मौका था और ऐसे में जो जुलूस निकल रहा था, उसी जुलूस के दौरान ये झड़पें हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक मोतिहारी की है, दूसरी बगहा की है। देख रहे हैं आप किस तरीके से दोनों ही जगह ये हिंसक झड़प। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, कल की ये घटनाएं हैं मोतिहारी बगहा में जो हुई हैं, अब स्थिति कैसी है और पुलिस की तरफ से अभी तक एक्शन क्या लिया गया है? देखिए रुमाना, अभी तक काफी स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन तनाव बना हुआ है क्योंकि हर साल इसी तरह से नागपंचमी के मौके पर महावीरी झंडा निकाला जाता है और दो पक्षों के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले के स्थित अंदर के मोहल्लों में इस तरह की स्थिति हो जाती है, तनाव हो जाता है, लाठी डंडे चलते हैं, ईंट पत्थर चलाए जाते हैं। तो इसको लेकर के जो पुलिस है वहां पर बहुत ज्यादा इस पर गंभीर नहीं दिखी। यही वजह है कि जहां पर भी जुलूस निकलता है वहां पर पहले से ही तैनात होते हैं और नियंत्रण में रखने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। लेकिन यहां पर देखा गया कि इन दोनों जगहों पर पुलिस जो थी वो काफी ज्यादा मुस्तैद नहीं थी, इसी वजह से ये घटना हुई। हालांकि अब भी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन वीडियो साफ साफ दिख रहा है जिसमें कि कई ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व भी हैं और महावीरी अखाड़ा के नाम पर इस तरह के जो इसको अंजाम देते हैं घटनाओं को, और जिसका असर पड़ता है। तो तनाव अभी भी बना हुआ है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। तो माना ठीक है, और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत किस तरीके से प्रदेश में गर्मा रही है, जरा ये भी बताइए। देखिए, एक बात तो तय है कि जो मोतिहारी है, बेतिया है, बगहा है, ये सब काफी संवेदनशील इलाके हैं और इन इलाकों में पहले भी इस तरह की घटनाएं साल में एक दो बार हो ही जाती, चाहे वो रामनवमी का जुलूस रहा हो या फिर ये महावीरी अखाड़ा का झंडा निकाला जाता हो। तो ऐसे में सियासत इस बात को और तुष्टीकरण की जो बात की जाती है बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ जेडीयू के और सत्ताधारी दल हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग दंगे को भड़काते हैं और इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए जिससे कि इनको राजनीतिक तौर पर फायदा मिले, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जरूर शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो सियासत जो है वो अपने तर्ज के हिसाब से जारी है और कुल मिलाकर अभी मोतिहारी बगहा जहां पर ये हिंसक झड़पें हुई हैं कल, वहां स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।